चलिएगा। तो बेटा कल हमने जो है वो आपके साथ चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, सेल्स एंड अदर ट्रांजैक्शन। तो अदर ट्रांजैक्शन मतलब हायर परचेज बेटा, अदर ट्रांजैक्शन मतलब हायर परचेज। तो ये हमारी गुड सेल्स एक्ट की कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। कौन सी बेटा? थर्ड। ठीक है चलिएगा। तो इनमें डिफरेंस मैंने बता दिया था आपको अच्छे से, बोलो बेटा। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सुनो, सेल तो हमें पता ही है, सेल तो हमें पता ही है क्या होती है कि हम किसी को गुड्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, एग्री होते हैं, और उसके बदले में क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। और गुड्स कौन से? मूवेबल गुड्स। कौन से बेटा? मूवेबल गुड्स। उसकी जो पोजिशन है और ओनरशिप है, क्या बेटा? ओनरशिप। ओनरशिप को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। ट्रांसफर करते तो वो क्या होती है? सेल होती है। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अब कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है वर्क का या लेबर का, तो हम उसे सेल नहीं मानेंगे, वो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका है बेटा, अब एग्जांपल बहुत सारे हैं मेरे पास, सुनना ध्यान से। जैसे आपने घर पे डाइनिंग टेबल तैयार करवाई, करवाते कोई लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनवाते हैं बेटा, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो बेटा आपने किसी से वर्क करवा के वापस लिया तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो। क्या है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने टेलर से क्लोथ स्टिच करवाए, आपने क्लोथ दिए उसको, उसने स्टिच करके आपको वापस दे दिए, वो क्या बेटा? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आपने आर्टिफिशियल टीथ बनवाए अपने लिए नहीं, दादाजी के लिए, अभी आपकी उम्र नहीं है, तो उसने आर्टिफिशियल टीथ बना के आपको दिए, तो वो सेल है फिर। वो क्या है? क्योंकि आपने उसको ऑर्डर दिया, उसने देखो बेटा प्रोड्यूस किए। क्या किए? ये अंडरलाइन कराया मैंने आपको। अगर किसी ट्रांजेक्शन में कुछ चीज क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या है फिर? सेल। अच्छा, वो टीथ ले आए, फिर आर्टिफिशियल टीथ थे, आपने कहा यार काफी कलर चेंज हो गया इनको, इनको वॉश करवाता हूँ अच्छे से। तो वहां जाके आपने कहा भाई साहब ये दादाजी के टीथ है मेरे, अच्छा कहता इनको अच्छे से वॉश कर दो, और उसने वॉश करवा के वापस लेके आए, उसने 300 या 500 जो चार्ज लिया, दैट इज सर्विस नॉट सेल। बाइक की सर्विस कराते हो ना, तो आप सर्विस ही बोलते, देख लो, सेल नहीं बोलते। समझा गई मेरी बात? तो आपने कार्ड ला के दिए शादी के लिए, एनवेल्प ला के दिया, और प्रिंटिंग वाला कहते इसमें प्रिंट कर दे तू इसको, तो वो क्या बेटा? अब सिंपल एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूं। मैं फोटो स्टेट वाले के पास गया, मैंने कहा जी ये 10 पेज प्रिंट आउट निकाल दे। कहते निकाल देंगे। क्या चार्ज है? कहते एक कॉपी का 1 रुपया, दोनों साइड कराओगे तो 2 रुपए। कितने बेटा? 2 रुपए। मैं कहा पेज मेरे पास है, पेज साथ लेके गया था मैं, रिम। कहते फिर आप ऐसे करना, 40 पैसा दे देना एक साइड का, दोनों साइड के कितने? 80। अब मैं उसको पेज दे रहा हूँ और उस पर वो प्रिंट करके देगा, तो वो क्या है? सर्विस है। अगर वो दे के और फिर मेरे को खुद खुद प्रोड्यूस करता पेज और खुद प्रिंट, समझ आ गया होगा? ठीक है, अब मान लीजिए, तो ये लाइन में अंडरलाइन कहता कि कुछ प्रोड्यूस हुआ हो, क्या हो बेटा? प्रोड्यूस हुआ, तो वो क्या है? सेल है। आगे मेरी बात समझे? देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देना, मेकिंग फॉल्स टीथ इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कहता अगर टीथ क्रिएट किया आर्टिफिशियल तो क्या है? ये ली वर्सेस ग्रिफिन का केस आया था, उसमें डिसाइड हुआ था, कोर्ट ने डिसाइड किया था दांत वाला केस में। तो प्लीज नाम याद नहीं करना आपको, इतना कोई फेमस केस नहीं है, वैसे लिखा हुआ। ठीक है जी। सिमिलरली द सेल ऑफ फोटोग्राफ्स, अब ध्यान से सुनना, ये सुन लो पहले ही, कॉलेज में, स्कूल में फेयरवेल पार्टी, विदाई पार्टी जो भी है, वेलकम पार्टी, कॉलेज फर्स्ट ईयर में अगर आपको दे तो वेलकम पार्टी होती है, वो पार्टी हो रही है। ठीक है जी, पार्टी में आप अपने फोटोग्राफ्स करवाते हो, फिर आप उसे, तो वो फोटोग्राफ्स क्या है? खुद प्रोड्यूस करके देता है आपको। आपने आपको कहा भैया फोटो सेलेक्ट कर लो, कहा ये 4 फोटो बना देना आप मेरी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, वो कहता ठीक है शाम को ले जाना। तो अब वो फोटो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, कार्ड जो भी उनका होता है वो उस पर प्रिंट निकालेगा, आपको देगा। बताओ सेल है या सर्विस है? सेल है, प्रोड्यूस किया उसने। क्या किया बेटा? प्रोड्यूस। अच्छा, आप बैठे हो, एक पेंटर है, आपने उसको कहा कि भाई साहब ये लो आप मेरी पेंटिंग बना दो। आपने कहा इस पर मेरी क्या बना दो?
तो वो फिर उसकी क्या है सर्विस, अपने स्किल यूज किया, प्रोड्यूस नहीं किया उसने कोई, उसने अपना स्किल यूज किया। यहां तक समझ आ गई? पेंटर पेंटिंग बना के दे रहा आपको कार्ड पे, वो उसका स्किल है, वो सर्विस है। और फोटोग्राफर आपकी फोटो निकाल के दे रहा है, वो सेल। इतना नहीं है, मैं तो बस जान के बता रहा हूँ इतना लंबा, लेकिन इससे कोई ये नहीं कि आपसे बता ये सेल है, मैं आपको दिमाग में डाल रहा हूँ बस, ठीक है। द सेल ऑफ फोटोग्राफ टेकन बाय ए फोटोग्राफर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये न्यूमन और लिमन्स का केस आया था, उसमें आया था, इसको याद करने की जरूरत नहीं किसी को भी। हाउएवर आस्किंग ए पेंटर टू पेंट ए पिक्चर इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ स्किल, ये रॉबिन्सन के केस के अंदर आया था। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, तो ये हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल सिंपल है, सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क या लेबर क्या होता है, अलग अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और लेबर जो है वो सेल नहीं होता, तो उसके ऊपर गुड सेल्स एक्ट लागू, ये बताना था सर्विस हो, ठीक है। सेल एंड बेलमेंट, क्या लिखा है? बेलमेंट मैं कल बता चुका हूँ, आप एक बार दोबारा समझ लो बेलमेंट क्या होती है। बेटा बेलमेंट का मतलब होता है निक्षेप, हिंदी में निक्षेप आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है बेलमेंट का मतलब होता है कि आप अपना कोई मूवेबल एसेट्स उसका पोजेशन, क्या बेटा, दूसरी पार्टी को दे रहे हो कुछ टाइम के लिए, ओनरशिप नहीं दे रहे, क्या दे रहे हो, पोजेशन दे रहे हो। ये स्पेशल है जनरल है? स्पेशल है, स्पेशल है। ओनरशिप आपकी रहेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका फ्रेंड आया यार दो मिनट बाइक फ्री है, कहता हाँ ये ले चाबी, आपने क्या किया बेलमेंट किया। वो आया कहता अच्छा कहाँ जा गया, कहता बस स्टैंड, कहता यार 3 किलोमीटर अच्छे ऐसे कर 18 रुपए दे दे, मांग सकते हो? अगर मांग लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेलमेंट है विद फी हो सकता है और विदाउट फी भी हो सकता है, मतलब आप पेमेंट लेके भी बेलमेंट कर सकते हो। और आपने अपने फ्रेंड से गाड़ी मांगी, यार मेरे को जाके आना शाम तक आ जाऊंगा थोड़ा, मेरी गाड़ी फ्री नहीं है, बेलमेंट है वो, बिना पैसे फ्री में, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड, ठीक है, फ्री में निःशुल्क जो है। अच्छा आप टैक्सी स्टैंड पर गए, टूर एंड ट्रेवल्स वाले के पास गए, कहते भाई साहब बस सालासर जाके आना खाटू श्याम जी, कहता चल जाएंगे भाई साहब, वो कहेगा हाँ भाई साहब 10,000 लेंगे, वो भी अपनी गाड़ी आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो क्या ले रहा है, चार्जेस ले रहा है, वो भी बेलमेंट है। अब बच्चे की दिक्कत क्या थी सर, बेलमेंट और प्लस में क्या फर्क होता है, या बेलमेंट या मोर्गेज में क्या फर्क होता है, सुनो मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगा अभी वो बात बताऊंगा। मतलब आप किसी, इधर ध्यान से सुन लो बेटा एक बार, आप किसी को अपना अपना अपने गुड्स अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देते हैं, क्या करने के लिए, या उसको अपना अपना पोजीशन, पोजीशन समझते हो, कब्जा, आप उसको पोजीशन ट्रांसफर करते हो, तो वो कुछ भी हो चाहे वो बेलमेंट होता है। क्या होता है, चाहे आप उसे चार्ज लो ना लो, मतलब आपने ओनरशिप तो आपकी है, ओनरशिप तो इतने लास्ट में क्यों बैठ गया भाई, दिख भी नहीं, और कौन आपके साथ, तुषार, मतलब बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, पोजीशन ओनरशिप आपकी है, तो ये बेलमेंट है ही है। चार्ज ले रहे हो तो विद चार्ज, और वैसे ले रहे हो तो विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज को क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड। समझा गया मेरी बात? अब यहां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, सेल और बेलमेंट में क्या करो, डिफरेंस करो। पहला डिफरेंस आ गया, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, कोई डाउट है किसी को? नंबर टू, यूज ऑफ गुड्स, सेल के अंदर इधर ध्यान दे बेटा, सक्षम सेल के अंदर है वो, उसका क्या बन गया ओनर, उसका जो दिल चाहे वैसे यूज करे, कोई उसको रोक सकता है, क्या मिलता है उसको, राइट इन रैम, मतलब पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट मिल गया, वो कैसे मर्जी यूज करे, कोई उसको रोकने वाला नहीं, उसका गुड्स है। उसने मकान खरीदा, खरीदते तोड़ना शुरू कर दिया, वो लोग को रोक सकता है, नहीं रोक सकते, क्यों तोड़ रहा, नया बनाऊंगा, समझ रहे हो कि नहीं सर? तो राइट इन रैम, एक होता है राइट इन पर्सनम, क्या होता है राइट इन पर्सनम, राइट इन पर्सनम का मतलब एक व्यक्ति के अगेंस्ट राइट मिला आपको। अब आपको जो है
मेरे से सर्विस ले रहे हो, अगर मैं कोई फोल्ड करता हूं तो आप पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, आप मेरे भी कर सकते हो। आपको एक पर्सन के अगेंस्ट राइट मिला है और आपने गुड्स खरीद लिए, तो आपको पूरे होल वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है, कोई भी आपको कुछ गुड्स के बारे में नुकसान हो जाए आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। तो राइट इन रैम और राइट इन पर्सनम दो वर्ड होते हैं लैटिन के बेटा। राइट इन रैम का मतलब होता है आपको होल वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट मिला हुआ है, और राइट इन पर्सनम का मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के विरुद्ध क्या मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है। बात समझ आएगी नहीं? तो देखो यूज ऑफ गुड्स वही बात है बेटा, सुन लो ध्यान से। सेल में आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, बेलमेंट में जो जिसने आपको दिया है वो क्या कहता है, बेलर। क्या कहलाता है? जिसको दिया वो बेली। तो बेलर ने जो कंडीशन पे दिया है आपको यूज करने के लिए, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करोगे, ऐसे नहीं है जो मर्जी यूज करो। जैसे आपने अपने फ्रेंड से गाड़ी मांगी, उसे दे दी, कहता भाई कहाँ जाएगा, कहता बस यही पास में जाके आ रहा हूँ, कहता सुन भाई कच्चे रस्ते मत लेके जाना, सारे नीचे एसी में इंजन में मिट्टी मिट्टी हो जाती है और सारी गाड़ी खराब हो जाती है। अगर कच्चे रस्ते में गाड़ी चलानी तो प्लीज मेरी मत ला दे, शाम को फादर साहब गुस्सा करेंगे। कहता नहीं मैंने कच्चे में गांव खेत में तो जाना ही नहीं है। बोलो कंडीशन लगाई या नहीं लगाई, ठीक है ना। ए बायर मे यूज द गुड्स एज लाइक, एज लाइक जैसा वो चाहे वैसे यूज कर सकता है। कौन बेटा? बायर सेल के केस में। बट ए बेली कैन यूज गुड्स ओनली इफ द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, जो बेलमेंट की क्या है टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ बेलमेंट अलाउ एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल में गुड्स वापस करने होते हैं, बट बेलमेंट में गुड्स वापस होगा ओनरशिप उसकी। प्राइस, सेल में प्राइस होता है, प्राइस नहीं तो सेल ही नहीं, अभी बता के गया था मैं। और वो जो बेलमेंट विद और विदाउट हो सकती है, ग्रेटिट्यूड बिना पैसे फ्री में है तो क्या है, ग्रेटिट्यूड बिल, कोई डाउट है? नेक्स्ट बेटा सेल एंड बार्टर और एक्सचेंज, ये सबको पता है, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया, आपने आपकी शॉप थी, आपने मेरे को एलईडी दे दी, बार्टर एक्सचेंज है। आपने मेरे को शुगर दी, मैंने आपको पल्सेस दे दी, दाल दे दी, समझा। सब्जी पसंद नहीं आई आपको, आपने पड़ोसी को ये सब्जी दे दी, उसने आपको दूसरी सब्जी दे दी, जिनसे ज्यादा प्रेम होता होता ही है, क्या हो गया बेटा, बार्टर हो गया। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो एक्सचेंज होता है बार्टर में और सेल में, ये कोई लिखा होगा। सेल मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर ए प्राइस पेड और टू बी पेड, पेड का दे दिया और टू बी पेड, एग्रीमेंट टू सेल है तो वो एग्रीमेंट होता है, और हो सकता है क्रेडिट बेसिस पे भेजिए तो पेमेंट वो क्या देगा, बाद में देगा, ठीक है। बार्टर और एक्सचेंज इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कंसीडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कंसिस्ट ऑफ गुड्स, मतलब आप कंसीडरेशन के रूप में क्या देते हो, दूसरा गुड्स देते हो बदले में उसको। बात समझ आ गई नहीं? नाउ सेल एंड गिफ्ट, सबको पता है गिफ्ट फ्री में होता है और सेल में प्राइस होता है, ठीक है। अब है सेल एंड मोर्गेज और प्लज, देखो मेरी बात सुनो, मोर्गेज और प्लज एक ही मतलब होता है, दो वर्ड है क्या बेटा, मोर्गेज और प्लज। अब सिंपल एग्जांपल सुनो, मान लीजिए एक पर्सन है एक्स और ये पर्सन है वाई, क्या बेटा, ये एक्स और वाई, ठीक है जी। अब एक्स ने वाई से लोन लिया, क्या लिया बेटा, लोन लिया, चलो लोन ले लिया, उसके सिक्योरिटी के रूप में इसने अपनी कोई प्रॉपर्टी इसके पास क्या कर दी, प्लज कर दी, क्या कर दी, गिरवी रख दी। प्लज का मतलब क्या, गिरवी, प्लज बोल दो या मोर्गेज बोल दो। प्लज का एक वर्ड और है पाउनर और ओनी, और ओनी ये देखो पी ए डब्ल्यू एन ओ आर, पाउनर और ओनी, पी ए डब्ल्यू एन डबल ई, ओनी, समझ गया। तो उस केस में एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी क्या की बेटा, गिरवी रख दी, प्लज कर दी। ये प्लज करने वाला प्लजर कहलाएगा, ये प्लेजी कहलाएगा, और ये ट्रांजेक्शन क्या कहेगी, प्लज कहलाएगी। ऐसे ही मोर्गेज कर दी तो ये मोर्गेजर कहलाएगा, ये मोर्गेजी कहलाएगा, जैसे कंसाइनर कंसाइनी, ऐसे ही मोर्गेजर और मोर्गेजी कहलाएगा। और इसका एक वर्ड यूज और कर सकते क्या बेटा, ओनर और ओनी, पी ए डब्ल्यू एन ओ आर। अब देखो प्रोनंसिएशन है विशाल जी, स्माइल अच्छी है आपकी, ठीक है, ओनर और ओनी, ठीक है, क्लियर। तो इसमें आपने चीज को क्या रखा बेटा, गिरवी रखा,
गिरवी रखा। अब बताओ, इसने मान लीजिए गोल्ड गिरवी रखा, फॉर एग्जाम्पल, होता ही है बेटा, आप देखा होगा गोल्ड, गोल्ड लोन होता है वो भी, और किसी पर्सन को भी गोल्ड रख के अपने पर्सनल लेवल पे लोग काम करते हैं। तो गोल्ड लोन लेने आपने इसको, इसने 2 लाख लेके था, भाई साहब 2 लाख ले जा रहे हो कल को, सिक्योरिटी क्या है? कहता ये लो गोल्ड रख लो। क्या रख लो? गोल्ड रख दिया। अब मेरी बात सुनना, अब एक्स ने वाई के पास गोल्ड रखा, बोलो इसमें बेलमेंट हुई है? बेलमेंट हुई है। इसने अपना गुड्स इसको दे दिया, ओनर कौन है? एक्स ही है, लेकिन सिक्योरिटी के रूप में रख दिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इनका, ये तो मोर्गेज प्लस गया है, लेकिन बेलमेंट यहां पर भी हो रही है। भाई बेलमेंट का मतलब ये नहीं होता गिरवी रखना वो रखना, बेलमेंट का मतलब होता है सिंपल, बेलमेंट का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसकी ओनरशिप है वो अपनी गुड्स दूसरे व्यक्ति को क्या कर देता है, वो होता है बेलमेंट। इसमें बेलमेंट भी हो रही है एक तरीके से। अब बेलमेंट बिना पैसे के वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब मैं क्या समझा रहा हूँ, मोर्गेज या प्लस। तो इसने 2 लाख का लोन लिया, अपना गोल्ड यहाँ पर गिरवी रख दिया। अब किसने? भाई के पास। अब भाई ने इस गोल्ड को क्या किया, गोल्ड मैन जो सुनार होता है उसके पास गया, उसको कहते सारे को मेल्ट कर दे, कर दिया। कहता एक चैन बना दे वो रस्से वाली जो बुक्की वाले पहनते हैं। अरे बोलो, समझ आएगी नहीं? मोटी होती है ना बिल्कुल। नहीं समझे? इतनी मोटी नहीं होती, रस्सा ही बोलते उसको, और क्या है वो, चलेगा। एक बिस्किट वाली होती है, अभी चैनों की नॉलेज नहीं छोटे बच्चों को, कोई बात नहीं। आई बात समझे? तो उसने, अब मेरी बात सुनो, अब ये आफ्टर 6 मंथ आया, इसने पैसे दे दिए, कहता भाई मेरा गोल्ड, कहता ये ले, कहता ये थोड़ा दिया था, इयर रिंग्स थे, रिंग थी, 9 लाख का हार था मेरी वाइफ का। कहता सबको इकट्ठा करके बोलो, कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर किसी को आपने प्लस किया, बेलमेंट की इसने एक तरीके से, प्लीज इसको बेलमेंट नहीं, मैं एग्जांपल किसका समझाने जा रहा हूं, प्लस का, मोर्गेज का। लेकिन साथ के साथ एक से दूसरे को गया तो बेलमेंट हो रही है, तो याद रखना वो उसको वैसे यूज करेगा जो कंडीशन थी। वो कहता भाई साहब गिरवी रख रहा हूँ, हेलो, मेरे गोल्ड को किसी गोल्ड में मिक्स नहीं करेगा, और ऐसे नहीं तुड़वा के कुछ और मनवा ले, मैं 6 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा, अपना गोल्ड ले जाऊंगा और इंटरेस्ट भी दे दूंगा। बोलो वो यूज ऐसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। पहली बार तो बेटा एक्स ने वाई के पास गोल्ड गिरवी रखा और उससे पैसे उधार लिए, तो ये गिरवी रखने को क्या बोलते हैं? प्लस। क्या बोलते हैं? या मोर्गेज। ठीक है, तो मोर्गेज रखा, और ये जो रखा है गिरवी, ये किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए रखा है। ये क्या होता है? मोर्गेज या प्लस होता है। और सेल में बेटा आपको पता ही है, सेल में प्राइस देके गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ पर गुड्स ट्रांसफर होते हैं सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज के लिए। किसके लिए? सेल। हाँ जी बेटा, उसने पैसे नहीं दिए तो उसको टाइम देगा, उसके बाद वो उसके एसेट्स को सेल कर देगा और अपने पैसे पूरे करेगा, बिल्कुल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी बेटा। सेल मींस द ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, क्या लिखा है? जनरल प्रॉपर्टी, मतलब जनरल ओनरशिप। जनरल ओनरशिप क्या होता है? पोजेशन भी हो जाता है और ओनरशिप भी हो जाती है। स्पेशल प्रॉपर्टी में ओनरशिप नहीं होती, सिर्फ पोजेशन जाता है। ये बात कई बार बता चुका हूं, ध्यान रखना। सेल मीन्स द ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर प्राइस पेड। यही डेफिनेशन बार बार उठा के सेल की लिख रहा है, ठीक है। एंड और टू बी पेड इन मनी, ठीक है। मोर्गेज ऑफ गुड्स मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। ये अपने गोल्ड है, इसके इसमें इसका क्या करें, इंटरेस्ट क्रिएट कर जाएगा। इंटरेस्ट क्रिएट करना समझ गए, मतलब इसको ट्रांसफर कर देगा। नहीं नहीं नहीं, इसको ट्रांसफर कर दिया और इसका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि ये गोल्ड तेरे पास रखा है, तेरा इंटरेस्ट है इस पे। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, वो नहीं है, प्लीज। कहते यार इस चीज में मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोल देते हैं। तो इसका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, मतलब तेरे कब्जे में, इससे तेरा इंटरेस्ट है, मतलब तेरा हित है इसके अंदर, तो इसका बेनिफिशियरी है। क्यों? कि कल को अगर लोन का रिपेमेंट नहीं होती तो उसका बेनिफिशियरी तो यूज करके अपना लोन क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो याद सुनना, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स फ्रॉम, इसमें क्या होता है बेटा, मोर्गेज ऑफ गुड्स मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द गुड्स फ्रॉम द मोर्गेजर टू मोर्गेजी। मतलब मोर्गेजर अपना इंटरेस्ट उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर इन ऑर्डर टू सिक्योर ए डेट, लोन को सिक्योर करने के लिए। बोलो समझ आ गया? सिक्योरिटी होगी ना, मोर्गेजी और
प्लजी गेट ओनली स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। ये है, हेलो, ये क्या है, मोर्गेजी बोल दो, क्या क्या बोलो इसको, प्लजी बोल दो, इसको स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब सिर्फ कब्जा मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलती। अब लोकेश वाली बात, अगर ये टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो उसको नोटिस इश्यू करेगा, भाई साहब 15 दिन में पेमेंट कर दो, मेरे को जरूरत है। नहीं करता है तो रिटर्न में है ये सब बात, वो उसका क्या बन जाएगा, उसका इंटरेस्ट है उसके अंदर, उसका हित है, हित बेनिफिशियरी है उसके लिए। बोल बात हो जाएगी, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट, बड़े आराम से किया हमने। चलो कल स्टार्ट करेंगे।